हम किसी के करेक्टर को कहते हैं सिफ़तु हालत इंसानी अवल मीनस के इंसान की जो हालत होती है और जो अशया होते हैं मतलब इलामत, जिस तरह की वो चीज़ है कैसी उनकी सिफत कैसी है उनका करेक्टर कैसा है इसके बारे में या उस चीज़ की हालत कैसी है हालत इंसानी अव हालत अशियाई यानी इंसान की हालत या चीज़ों की हालत वो कैसी है या उनकी अलामत बता रहे हैं अच्छा होना बुरा होना गुड बैड और ब्यूटीफुल इस तरह करके सिफा में आता है हुआ करीम ही इस काइंड लहुसफ़त करीम उनके अंदर जो करेक्टर उनके अंदर किसी क्या चीज़ें उनमें करीम होने की सिफत है कि वो अच्छे हैं अच्छे होने की उनमें सिफत है आसानी व ख़ास खास बिहि कि कोई ओन करता हो किसी चीज़ को कोई चीज़ किसी चीज़ बंदे की हो यानी ख़ास उसी के लिए हम लोग जैसे कि हाजा क़लम हासन ली ये पेन स्पेशल मेरे लिए स्पेशली किसी के लिए कोई चीज़ होना तो खास खासन भी ही, उन्हीं के लिए ख़ास होना लहू वहू सिर्फ उसी अकेले की कोई चीज़ हो लहू मीन्स के इट इज़ फॉर हिम ओनली अस्यारत खासा ये नहीं स्पेशल उन्हीं के लिए ही स्पेशल गाड़ी है ये ये किसी और की कार किसी को नहीं मिल सकती स्पेशल उनकी है बात ल हजाला हिज़ूमा माना लाहजाला हिजू नोटिस करना किसी चीज़ पे ध्यान देना नोटिस करना ला हजूलाजु कि रॉकबा व शाहदा शाहदा मतलब देखना नोटिस करना किसी चीज़ के बारे में कि क्या मतलब जैसा हम नोटिस करते देखते हैं कुछ हुआ है हम उस पर गौर करना किसी चीज़ पे ला हजरत अब के अंदर कोसैन में दे हैव है ला हज़रत मरीज उन कि द मदर नोटिस दैट हर सन इज कि अम्मा ने नोट किया कि उनका जो बेटा है वो बीमार है ला अन्ना इबना हा इब्ना हा जो आ रहा है वो अम्मा की वजह से आ रहा है कि उनका जो बेटा है वो मरीज़ुन बीमार है तो यह, बाद हो, वज़ा आजाआ यज़ा आ मऊलूद मऊलुदन मीन्स के बर्थ होना किसी की पैदा करना वलदन और युदू आगे लिखा हो वदा युदु मीन्स के पैदा करना

यानी उनके साथ माअन्ना अलजौउ बारिदुन माअन्ना अलशम्सु तालिअन ठीक है अलजौउ बारिदुन द एटमॉस्फेयर द वेदर इज कोल्ड माअन्ना विद इट इट इज सनराइज द सन इज राइजिंग द सन इज राइजिंग मींस के सूरज तूलु हुआ है सूरज चमक रहा है इसके साथ के ठंडी मौसम ठंडा है अलजौउ बारिदुन के द वेदर इज कोल्ड के मौसम ठंडा है माअन्ना बावजूद इसके उट ए सॉरी विद इसके बावजूद क्या चीज है मुशतबल बुखारी वतूबा रुतबा अब रोतबा मीन्स वेटोना यहूमड के तौर पर आता है आई अब इसका मतलब क्या है आई मीन्स कि इसका मतलब इस तरह करके बना है कि मुबतलु uh, मुशतब जो चीज़ जो वेट चीज़ें होती हैं द थिंग्स लाइक विच आर वेट दे आर कंसिस्ट ऑफ स्टीम एंड मॉइस्चर तो जो होती हैं स्टीम उनके अंदर होती है जो चीज़ें गीली होती हैं उनमें स्टीम सी भी होती है और साथ में वो थोड़ी गीली मॉइस्चर होता है उसमें तमतता वो बी एन्जॉय तमत्ता इंजॉय करना यानी, खुश होना इस तरह यह तमतेंस माह लिहाजा और जुमला लिहाजा य तमतबाहा शातरीजॉइंग स्विमिंग ऑन द बीच बिस्बाहा विद द स्विमिंग वो नहाने से जो है वो खुश हो रहे हैं बीच के ऊपर शातिल बहरी यानी बीच पे बाद माहौल जुमला सारा यसरू सारा यसरु माना असपहा हो जाना बिकम सारा यसरू मीनस बिकम और टू बी कोई चीज़ हो जाना असपहा इस पहा हो जाना मिन अखवाती काना मिन अखवाती काना माना कि जो काना का काना की बहन बहनों में से मतलब काना के साथियों में से है जिक्र जो कर रहे हैं सारा यसरु असपहा हुआ जो किन कहना तो ये बाद असफला प्रॉब्लम आप लोग को ये चीज़ नहीं समझ आएगी इसलिए इसको छोड़ना है तो ये असफला अला मा असफला इसका मतलब होता है कि बॉटम लाइन डाउन नीचे अक्स व आला इट इज़ ऑपोजिट ऑफ अप साइड यानी और डाउन जैसा होता है इस तरह आला असफल टॉप ऑफ दिल और बॉटम ऑफ दिल इस तरह करके असफल और आला टॉप और बॉटम के तौर पर तो अक्स मीन्स अपोजिट

यानी बिल्कुल नज़र आना सब कुछ नज़र आ रहा है बिदून मीन्स कि अगर कोई जिसमें दरख्त का बताते देवर टॉकिंग अबाउट ऑटम सीजन एंड दे वोट के उसके अंदर जब जो लीव्स होते हैं वो सारे गिर जाते हैं बा द हो द ट्री बिकम आर मीन्स के वो एक प्रॉपर यह नेकड होता है उस तरह करके या बिल्कुल पत्तों से खाली तो उस तरह आर इनका होता है बिदून ला सयाब अ ही डोंट हैव एनी क्लोज ऑन इट उनके ऊपर कपड़े नहीं होते ला सयाब अ उनके ऊपर कपड़े नहीं होते बिदून दौरान। दौरान। टेक राउंड दउरान अगेन दौरा अगेन। चलते रहना घूमना होता है ना पिया घूमना जिस तरह तो जो टायर होता है वो घूमता रहता है रोटेट होना घूमना इस तरह करके दौरानन ये दारा यदूरू दौरानन सेम चीज है दारा, पास ये इस तरह लिखा है तो टायर इज मूविंग टू मच फैसली के जो टायर है वो बहुत तेज तेज घूम रहा है दिल आजला आजला कहते हैं टायर को अल आन बुरूदरूद मीन के बहुत ज्यादा ठंडा होना कूल्ड कोल्ड द वेदर इज कोल्ड एक होता है कोल्ड होता है कोल्ड बहुत ज्यादा द वेदर इज कोल्ड अश आरू भी बुरू दिल जवी आई कैन फील द कूल ऑफ द लाइक कोल्ड वेदर आई कैन फील द कोल्ड वेदर इस तरह करके कि मैं जो है महसूस अशूरू मैं महसूस कर सकता हूं और कर सकती हूं माला यमीलू व्हाट इज इट मेरे को माला यमीलू टर्न टू टेक टर्न मा लत नखलातु मिन शिद्दत है अब मूव करना ये टर्न लेना पाम ट्री टेक टर्न बिकॉज़ ऑफ लाइक टू मच हैवी यू कैन से स्ट्रांग बहुत तेज हवा चल रही है बिकॉज ऑफ टू मच हैवी एयर और जो भी आप कह लें कि उस तेज हवा के झोंके या हवा की वजह से वो टर्न बार बार घूम रहा है घूमना या टर्न करना इस तरह के माना में आता है तो ये बात हूँ मई लान मैलानी अलान अन्तविन यहा इसका मतलब है घूमना टर्न करना मैलानुलती अलवा जहाँ यूवा जेहू वाह फेस करना टू फेसिंग टूवर्ड समथिंग किसी चीज़ के सामने फ़ेस हो यानी आप कर लोगे बिल्कुल सामने फ़ेस टू फेस बात करना का बला व जहाँ हु वा ही फ़ेस टू फेस बात करना इन्हें उन्होंने बिल्कुल आमने सामने आना आमने सामने फ़ेस टू फ़ेस बात की अलमकबा तू ताह हिजुल मस्जिद के मकतबा लाइब्रेरीज़ फेसिंग द मस्जिद के वो बिल्कुल अमामाह उसके सामने इन फ्रंट ऑफ फ़ेस टू फेस ऐसे वाह जहाँ यूवा इमताज़ यमताज़ु मींस के बहुत अच्छा होना और अपनी एक होता स्पेशलिटी होना किसी चीज़ में एक बहुत स्पेशलाइजेशन जिसमें हम कहते हैं ना हो यमताज़ फ़िहाज़ा उन्होंने स्पेशलाइजेशन इस चीज़ में की या वो इस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं इस तरह करके कुछ चीज़ में बहुत अच्छा होना इतफ़ा अलान माहौल जुमला यमताज़ुलकलबू द डॉग इज़ अब एक स्पेशल उसमें क्या चीज़ है यमताज़ु बिहाती शमिन कबिया अब कहते हैं जो स्मेल है ना स्मेल सेंस स्मेल ऑफ सेंस उसकी बहुत स्ट्रॉग है डॉग की तो उसकी बात करें कि वो उसमें बहुत मुमताज़ है बहुत अच्छा है सूंगने की जो उसकी स्... सेंस है वो बहुत अच्छी है यमताजुल यमताज़ुलकलबू भी हास्ती शम्मी कबिया हादसा सेंस को कहते हैं शमी मीन स्मेल और कबिया स्ट्रॉग तो ये मीनिंग हम लोग मतलब लिखने हैं और इसके साथ है, इसके सेंटेंसेस बनाने हैं सो लेट्स मेक इट अगर तबी आतुन लिखा है तबी आतुन माना खासिया, यानी नेचर को भी कहते हैं नेचुरली होना नेचर वाइज नेचुरल चीज़ खासिया सेकेंड ऑन मोआमन मीन्स मज़लुम मजलुमन मक्तो भागदा मुझ... रात अंधेरा मौत, अंधेरी है बादईय नक नकैन साफ प्योर साफ होना इस तरह करके नकैन अतु नक फ्लारिस प्योर ब्यूटीफुलट और نقي استغرق يستغرق من to تيك استغرق احترف استغرقا كي احترفا يحترفو احترفا احترف يحترف احترف طيب Now we will start another exercise. सेकेंड हम लोगों ने पढ़ने के बाद इसको हमने सॉल्व करना है तो उन्होंने क्या लिखा है कि एक साल में हमें कितने सीज़न्स मिलते हैं कितने मौसम मिलते हैं तो उसका जवाब होगा होना का अरब आदो फ इन फिसना होना का देर आर फोर सीजन इन दिन अयर होना का अरब आतो न वॉच इट फ्रॉम देअर ऑल्सो तो यहाँ पे फिस्ना लिखा हुआ सना इट इज रिटन इन हियर सो मदद काउंटिंग अदद मीन काउंटिंग क्या है फसूल सीजन ऑफ द इन क्वेश्चन नंबर टू इज़ कई ये तग़ैरज मुख्तलफ़ा के हाव द चेंज इन डिफरेंट सीजंस ये कैसे और एटमोसफियर चेंज इन डिफरेंट सीजंस के मौसम कैसे चेंज हो जाता है मुख्तलिफ उसमें तो हम इसका आंसर लिखेंगे ये तगैरु आप यहाँ से लेंगे ये तगैरू जसवेट मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूँ अच्छा एक मिनट हाँ जी تو يتغير طول النهار الجو يتغير الجو في فصول مختلفة بسبب تدور الكره الارضيه حول نفسها ولهذا طيب هم اس کا سکتے. اولا تدور ہم پہلے لکھ دیتے ہیں. اولا نحن نكتب تدور تدور من؟ रोटेट करता है रिवॉल्व करता है कुरतुल अर्जिया अर्जिया मीन्स कि अर्थ तदू कुरतुल अर्जिया तदू कुरतुल अर्जिया हाउ नफ्सहा इट रिवॉल्व अराउंड इट ओन एक्सेस यू कैन से और अपने ही गिर्द वो गोल घूमता रहता है नफ्स नफ्सहा सीन है जो मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं लिखा हाउ नफ्सहा वली हाजा वली हाजा दैट्स वाई दिस इज द रीज़न बिकॉज लाइक ये तगरफल मुख्तलिफा इसी वजह से जो मौसम है वो चेंज होता रहता है वेदर जो इतने भी आते हैं उसका सीजन का तो क्या कह रहे हैं हमने आंसर क्या लिखा तदुरजिया द अर्थ इट जस्ट मूव्स और रोटेट्स अराउंड इट सेल्फ दैट इज़ द रीज़न के जो मौसम है वो बार बार चेंज होता रहता है मौसमों का तैय्य भा तो हम आपको सवाल साल कई तगैरू नहारेली कई तगैर हो हाउ देंज एक तगैय कई तगैर हो इसका है कि कैसे चेंज होता है कि दिन और रात का लम्बा होना कैसे यानी कई फिया तगैर कैसे चेंज हो जाता है कि इन विंटर्स वी हैव लॉन्ग नाइट एंड इन समर वी हैव शॉर्ट तो ऐसे कैसे हो जाता है हाउ इज़ इट पॉसिबल कई तगैर हो हाउ इट चेंजेस तो आंसर ये तूल नहारी ये तगैर तुल नहारी वैली यगैरु इट चेंजस बिकॉज बिसब ही हाजही अरबाफसूल लमल जो तकन मुख्तलिफा हम इसको कैसे रखेंगे कैफ़नक हादा हुआ यह तगैर तुल नहारी बिसबी बेसब मीन्स के रीज़न इसकी क्या है बिसब भी इसकी वजह से क्योंकि हाज ही बिसब भी हाज ही अरबातो फसूलिन أربعة أربعة فصول إن شار موسموكي ولا سي لما وين وين جب لما تكون مختلفة أو تبدل لما جو تبدل لما جو तो बदल जब मौसम जो है वो चेंज होता है बदलता है मैंने चेंज तो तब जो है क्या होता है दिन और रात का मुख्तलफ होना आ जाता है बाद सवाल रब मल फसल معظم الحيوانات ही मुआजलहा वो कौन सा सीज़न है वट इज़ दैट सीज़न इन विच द एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज़ वो कौन सा मौसम है जिसके अंदर जानवर हैं वो देते हैं बेबीज़ को बर्थ देते हैं पैदा करते हैं तो कह रहे हैं रबिया आप लिख सकते हैं तजाउफ़ी ही मौजमलहीवाना तो सगार फ़ी फसल रबिया इन द स्प्रिंग सीजन तैयार बाद हुआ उस वाल मल फसल फ़ीहिल औाकुलमआजाम अशार यानी वट इज़ द सीज़न इन विश्व लीव्स ऑफ ट्रीज दे जस्ट फेल डाउन। वो कौन सा है सीजन जिसके अंदर दरख्त के जो पत्ते होते हैं वो टूटते हैं सो so, आप सब जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था बड़े ध्यान से तो फसल माहौल फसलफ मीनस ऑटम सीज़न खरीफ ऑटम सीज़न तो ये

तो जो एक वो है दिन है उस दिन में दिन का टाइम भी आता है और रात का भी टाइम आता है तो हम क्या लिखेंगे ये तक योमा उल्योमा द डे इज कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स बिकॉज ऑफ अर्थ्स रोटेशन व्हाट इज दोज टू थिंग्स लैलन व नहार उनके रात और दिन दो चीज़ें आती हैं लैलन व नहार यानी दिन और रात का टाइम तो ये बाद हुमा हो आसानी फ़िशद यकून नारो फ्राक़ व ले लो फ़िरा अब कह रहे हैं फ़िशदा इन दिन दे बिकम फ़िरा ब्लैंक एंड द नाइट बिकम ब्लैंक अब वो क्या हो जाता है दिन छोटा हो जाता है रात बड़ी हो जाती है यू हैव टू राइट दैट थिंग व तवील जो नहार हो जाती है जो दिन का टाइम होता है डे टाइम बिकम शॉर्ट एंड नाइट टाइम बिकम लॉन्ग तवीला

मुख सॉरी तो, मुख तलीफा तुन हाँ कसबुआ मकतूब इस तरह लिखते हैं तो मुख्तलफ़ा तुन तो कौन हो तक कब वनफसूल तो हो जाते हैं क्या चेंज मुख्तलि चारों के चारों सीजन अलना सब अर्रब अज़ युस बेबुलफसूलमुख्तलि क्या है रीज़न इन सीज़न्स के चेंज होने का इन जो टर्निंग है ना ज़मीन का घूमना अर्ज़ तो हम इसको क्या लिखेंगे अर्ज़ अर्थ रोटेशन ये रीज़न है मौसमों के चेंज होने का ये दोबारा से इन्होंने ये लिख दिया अर्ज़ सॉरी तय मैलानी तैयब अल हो सखिर हम लोग नेक्स्ट सवाल स्टार्ट करते हैं हुआ जी इस तखरच

أسفا لا كتبتو أجين غلط أسفلها ها أسفلها طيب now we are going to start our फ़ी इसमुलमफरत फ़ी हालत रफ ए अब यहाँ पे इसमफरत हम लोग हालत रफ़ कहते हैं अरबिक में पेश को कि पेश कौन कौन सी हालात में आता है अरबिक के अंदर ये थोड़ी सी ग्रामर है और आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अब यहाँ पे है अलजऊबाररबिक के अंदर एक रूल होता है अब अलिफ लाम इधर आया है अलिफ लाम हैलिफलाम जऊ के साथ तो ये मुफ्त बन रहा है अल अल लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा होता अल उल हैदू तो हम इसे कहते हैं कोल्ड वेदर अब द वेदर इस कोल्ड फुल सेंटेंस बनाने के लिए तो हम इसको लिखेंगे अल अल पे एक पेश आया बिकॉज ऑफ अलिफलाम अलिफलाम की वजह से एक पेश आ जाता है मैं इसका बता रही हूँ जो इस पर पे पेश आई हुई है वो एक रीज़न किया अलिफलाम जब अलिफलाम आ जाएगा तो एक पेश आएगी और जब अलिफलाम नहीं होगा तो यहाँ पे इस तरह दो पेश आएंगी और ये इसको पेश कहते हैं जो ये हम लोग पेश डालते हैं इसको बोलते हैं रफ़ हालत रफ और जब सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस का हमेशा अरबिक का रूल है सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट मुबतदा होता है और लास्ट पार्ट खबर उसको कहते हैं उसकी खबर क्या दे रहे हैं है? मीन्स क्या बता रहे हैं वेदर इज कोल्ड अब इसी तरह नीचे क्या लिखा है in the winter. वो तो आगे की सेंटेंस हो गया ये पूरी खबर बता रहे हैं कसिर उनता शॉर्ट इन दिंटर सीजन के छोटा होता है विंटर सीजन में सर्दियों के उसमें अन नहार इसमें, इसमें मुफ्तदा है इसका लफ्ज आप लोग याद रखना है मुफ्त दा वल खबर ये मुफ्तदा इन्होंने यहाँ लिखा हुआ वल खबर मुब्तदा वल खबर मुब्तदा मीन्स स्टार्टिंग किसी सेंटेंस की वल खबर उसकी खबर दे रहे हैं कि हाउ इज इट इज़ तो यहाँ पे क्या बताया अब आगे अलगरफतु मुजलिमत आपने याद रखना है कि मुब्तदा हमेशा जो है अलिफ लाम के साथ आ रहा है यहाँ पर और उसके ऊपर क्या है पेश है मुबतदा और ख़बर पे दो पेज आ रही हैं अन नहारज़लुन अल सॉरी अन नहारसीर असानी अलगोरफत मज़लमतन द रूम इज़ डार्क और डार्कनेस है रूम के अंदर अंधेरा है तो क्या रख करें अलगरफत मज़लित तो अलगरफा पे इन्होंने एक पेज लगा दिया मुजलित फिर इन्होंने दो पेज लगा दिए और उस पर अल्फ्लाम नहीं लगाई क्योंकि सेंटेंस को कम्प्लीट कर रहे हैं ये लोग अब बाहा अंदर इन्होंने क्या लिखा है अच्छा ये चीज़ तो आप लोग याद रखें मुब्त और ख़बर वाली मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ मुबतदा हम किस चीज़ को बोलते हैं मुबतदा हम लोग कहते हैं जिसके ऊपर अलीफलाम यहाँ पर अलिफ लाम यहां पे लिखा हुआ है ना और पेश आई हुई है तो ये मुबतदा है अलजू अन अलगुरफतु अरफतु अलकमीसू लेट सपोज मैं कहती हूँ आप में से अल बिन तू तु जमीला तुन की लड़की खूबसूरत है द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल तो अल बिन तू यहाँ पर अल तू आप अपनी कॉपी पे लिखें हैं अल तू जमीला त तो यहाँ पे अल अलबिंतु जो है वो मुबदा है और ख़बर आप क्या दे रहे हैं बहुत खूबसूरत है जमीलतुल जिद्दन शी इज़ वेरी पर्टी तो ये हो गया ख़बर तो अब हालत रफ़ पेश कौन कौन सी कंडीशन में आता है वो आपको वो सिखा रहे हैं तो पेश इस कंडीशन में आता है जब मुबदा होता है तब उसमें पेश आएगा हमेशा जब खबर होगा तब उसमें पेश आएगी ये याद रखिएगा अलगरफत मुजलित उन अलगर फतः अब ये कह सकते हैं अलगरफत मज़ीअतन अब आप कह सकते हैं अन नारवील द डे इज लॉन्ग दो दिन लंबा है अलजहार उन जो मौसम है द वेदर इज़ हॉट तो इस तरह किसी भी तरह आप कह रहे हैं मरफोब जम्मा मरफोब ज़म्मा पेश आ रही है ज़म्मा के साथ जम्मा कहते हैं पेश को मरफो रफा रफा मरफू को कहते हैं पेश को कहते हैं बस इसको अभी तक इतना सिर्फ याद रखिए अभी के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है इनशाला नेक्स्ट हम लोग और आगे आगे पढ़ेंगे तो एक तो इसकी कंडीशन होगी मुब्तजा और ख़बर वाली और जो नेक्स्ट कंडीशन है वो फाइल बन के आती है फ़ाइल क्या होता है अरबी के अंदर अब फाइल हम लोग को देखना है तो फाइल कहते हैं अरबी में एक अब हम लोग प्रॉपर सेंटेंस बना रहे हैं जिसके अंदर एक वर्ब यूज़ हो रहा है जिस तरह अला जहाबा हामिद इलामद रसा जहाबा मीन्स गया हामिदुन हामिदुन पे दो पेश लगा दें अब मैं लिखती हूँ जहाबा हामिद अब हामिद जो वर्ड है कौन गया अकला तोलिबन या अकलाब अकलत तौलिब और या अकला तोलिब खाया लड़के ने कही तो उसमें जो तौलिबन होगा तोलिबिन होगा हामिद होगा इसमें इन पर पे देखिए पेश आ रही है दो पेश आ रही हैं तो इसको भी इसको बोलते हैं फाइल करने वाला द पर्सन हु इज़ डूइंग द थिंग नाउन जो है यहाँ पे फाइल वो भी मरफूब रफ़ होगा मरफूब जमा जहाबा तो फेल है द थिंग विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ जहाबा वो गया पास्ट टेंस बता रहे जहाबा हामिद अब इधर इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है तो तुशमसू शम्सू भी देखे पेश डाली हुई आप बेशक इस पर दो पेश डालें बेशक एक पेज डालें डजेंट मैटर फाइल किसी भी तरह हो सकता है तो श्रिको शमसुन कोई मसला नहीं तु श्रिको शमसू कोई मसला नहीं है तो श्रिको शम्सू द सन राइज और द सन इज राइजिंग इन द मॉर्निंग के जो सूरज है वो सुबह के तरफ जाग रहा है नहीं आ रहा है तो सॉरी जाग रहा है <laughs> तो श्री को शम सुफ़ सुबह के वो क्या होता है तुलू होता है सुबह के टाइम हो रहा है तुलू हो रहा है सुबह के टाइम तो श्री को शम्स हो तो अब शम्स के ऊपर इन्होंने पेस्ट रखी लिखी हुई है अब नीचे इन्होंने सेंटेंस एक और क्या दिया हम उसको देखते हैं नजल अल मतरू अम द रेन इट रेन यस्टरडे अम्स कहते हैं कल को बिल अम्स अम्स कल नजला मतर बारिश हुई कल बारिश हुई तो नजल मतरु नजला कौन नजला।, नजला।, नजला हुआ था कौन उतरा था कौन ऊपर से आया था मतर आई थी ना तो इस वजह से मतर के ऊपर पेश आई है नजल मतरु मतरुम्स तो ये बाद हो ये मत नास बिल हवा इन की पीपल इंजॉयड विद क्लीन एयर या क्लीन विंड कह सकते हैं तो यहाँ पर नास क्योंकि लोगों ने इंजॉय किया था इन्जॉय किसने किया था लोगों ने किया था ना नास ने किया था इस वजह से नाच के ऊपर दे हैव पुट है पेश लिख दिया है इसके ऊपर नजलतम नासू फिर तो श्री कुशम सू तो सब के ऊपर पेश आ गई पेश की रीज़न क्या है इसको क्या बोलते हैं फाइल इसका क्या लफ्ज़ है फाइल यहाँ पे लिखा हुआ है मैं दोबारा लिख के बता देती हूँ फाइल द वन हु इज़ डूइंग द थिंग इज फाइल अब कौन कर रहा है नाउन कौन कर रहा है मतर हो गया अब करने वाली चीजें नास हो गया शम्स हो गया जो चीज़ें कर रही हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे मरफूब जमा तो यहाँ पे सब पे पेश आ रहा है जम्मा इसकी आपको दो चीज़ें बता दी दो आपको रीज़न्स बता दी किसकी वजह से पेश आता है फर्स्ट थिंग इज मुबतदा खबर और थर्ड इज़ फाइल तीन चीजें बल्कि पहली चीज़ किसके ऊपर से पेश आएगी आपको हमेशा मुबतदा खबर अभी हम इनशा एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपको और आ जाएगा मुफतदा ख़बर और तीसरी चीज़ हमने फ़ाइल पढ़ी है इन तीनों चीज़ों की वजह से ना पेश आती है अभी मुझे पता आप लोग कितनी ज़्यादा समझ नहीं होगी नहीं आई होगी लेकिन फिर बी वी विल ट्राई इट अच्छा लाहिज अभी इधर हमने क्या देखना है मेलमायलमरफू आ कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनके ऊपर पेश आती है हरालत के ऊपर व हैं मुफ्त ख़बर वफ़ाइल ये तीन वर्ड्स आपने याद रखने इसमुलफरदा बजद्मा कि अगर एक वर्ड आएगा कभी भी कभी भी कहीं पर एक वर्ड लिखा होगा जब वो मुफ्तदा बना हुआ होगा जब वो खबर बना हुआ होगा जब वो फाइल बना हुआ होगा तो उस पर पे एक पेश आएगी या दो पेश आएंगी वो जमा से पेश आती है उसके पर। इसमल आती है अब जमा इन एट जिसके ऊपर पेश लगी हुई है बइनी अब आपने क्या करना यू हैव टू डिस्क्राइब द रीज़न के वाई इट इज़ रफ बिक मुफ्त इट इज बिकॉज ऑफ मुफ्त और खबर और फाइल कौन सी ऐसी रीजन है जिसकी वजह से मुफ्त बनाए या खबर बनाए या फाइल सॉरी कौन सी रीजन नहीं कि क्यों बना क्या है इसमें पेश क्यों आई या मुफ्त कहीं पर बना हुआ है कहीं पर खबर बना हुआ है आपने इसको डिफरेंश करना है दे है एग्जाम्पल इन हेयर असू को मुस्मतुन देर लाइक द मार्केट इज क्राउड असू को मुस्मतुन मार्केट इज क्राउडेड पूरा सेंटेंस है ये. तो उसमें बाजार में बहुत रश है अब इसमें ये मुफ्त और खबर बन रहा है देखिए मुफ्त प्लस इन्होंने बीच में लगा दिए सिर्फ आप लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए कि मुफ्त है अल असूकू असूकू इसके अंदर क्या है मुफ्तदा अलिफ लाम लिखा हुआ है मुफ्त पे हमेशा को यू हैव टू रिमाइंड दिस रिमेंबर दिस सॉरी रिमेंबर दिस के असूक या वतदा के ऊपर अलीफलाम आएगा असूक मुजा मत जब उसकी खबर देंगे तो उस पर पे दो पेश आएंगे अब नीचे फाइल फाइल आपको पता है कि पूरा कोई काम हो रहा होता है कोई कर रहा होता है बदा अदित बद दरातु मुंजु उ द क्लासेस स्टार्ट फ्रॉम वन वीक के एक हफ्ते के अंदर जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो गई थी अब यहाँ पे क्या रहा है चीप है तो इसके अंदर अलमीसु मुब्ता है और रखीसू इसकी ख़बर है मैं आपको इन सब का बता देती हूँ लेकिन ट्राई करिएगा इस वीडियो को आप पॉज कर लें और पहले इन सबको सॉल्व करें उसके बाद मेरी वीडियो को ऑन करके आप चेक करिएगा तो क्या आपके कौन कौन से ठीक है उससे थोड़ा सा ईज़ी हो जाएगा ऐसे जा आपको मतलब नहीं आते होंगे लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे ईजी ये चीज़ हो जाएगी मैं आप इनशाला आपको मतलब सबके बता देती हूँ लेकिन आपको ये पता चल जाएगा ये मुब्ता बन रहा है और ये ख़बर बन रहा है ये फाइल बन रहा है शो so, अब मैं आपको इसके मतलब बता देती हूँ अलमीसु ऱीसुन जो द शर्ट चीप आगे यानी कमी सस्ती है ये मुबदा ख़बर बन रहे हैं अर रॉबे फोर्थ वॉन अर रात अजहार यमीलातन की द फ्रेगरेंस ऑफ द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल कि जो फूलों की खुशबू है वो खूबसूरत है तो इसमें रात अजहार इसके अंदर मुबंदा है वह जमीलतुल ख़बर है अब राके ऊपर पेश आ रही है वह जमीलत उन पर उसकी खबर बता रहे हैं कि खूबसूरत है बहादू यह अमल बिन निशाती इसके अंदर यह अमल जो है क्या है यह अमल इसके अंदर आ रहा है आ, फेल आ रहा है तो अन इसके अंदर फाइल है कि हनी भी इज एक्टिवली तो इस तरह करके अनाह इसके अंदर नहलू फाइल है ये आ रहा वर्ड असादिस कि द रोड इज़ क्राउड जो बाज़ार है वो भरा हुआ जो रोड है वो बहुत रश में है इस टाइम तो अशर उ मुस्तमन ये मुबतद खबर है शार इसके अंदर मुबदा है मुस्तम ख़बर है बादष अफुंदुक उ बाईद अफुंदुक इसके अंदर मुबतदा है बाईद ख़बर है अलफुंदुक मीन्स द होटल इज़ फार जो होटल होता है वो दूर है वसल तबीबफफ़ा एतम वसला वो जो डॉक्टर है वो पहुँच गया मुस्तफ़ा यानी हॉस्पिटल तो इसमें तबीबो अ तबीबू जो है इसके अंदर फ़ाइल है हम इसको कहेंगे फ़ाइल क्योंकि जो डॉक्टर है वो पहुँचे ना इस वजह से अ तजारत रा इसमें अ इसके अंदर मुबदा है राह बेहतुन इसका क्या है ख़बर है कि जो आप कर ले जो तजारत है वो बहुत ही लॉस में जा रही है राबह सा इसकी और भी मतलब है आप और भी देख सकते हैं गूगल कर सकते हैं राबहा का अशर साइफ़ोन साफर ज़ैफ़ मीन्स दो आप कर सकते गेस्ट ट्रेवल यस्टरडे के जो मुसाफिर था उसने सफ़र स्टार्ट कर दिया कल ही स्टार्ट करे कल ही चला गया साफ सफ़र पे ज़यीफ़ कहते हैं गेस्ट को मेहमान को तो ज़यीफ़ हूँ इसके अंदर फ़ाइल है यहीं पे हम लोग ये वाला वीडियो जो है ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं इन नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा इस पूरे चैप्टर को कम्प्लीट करने के लिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर इन एक्सरसाइज में से आपको कुछ ना समझ आया तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्टिंग में, में आपको उसको सॉल्व करके बता दूँगी और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़ मा सलामा